ओके ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग. सो टुडे लेक्चर विल बी टैली एंड टॉपिक विल बी बजट. ओके तो बजट क्या होता है आपको पता है, कुछ आइडिया है आपको बजट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? सर बजट मतलब सेविंग. बजट मींस सेविंग. और प्लीज सब लोग आंसर दीजिए आप लोग. हेलो. यस सर. हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट शुभम? प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट. एनी आइडिया? हेलो आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर यू आर ऑडिबल. ओके प्लीज टेल मी कुछ आइडिया आपको बजट के बारे में क्या होता है? आपने सुना रहेगा ना ये वर्ड बजट. हाँ सर. हाँ तो क्या होता है मतलब बेसिकली क्या होता है वो बजट? ओके आई विल टेल यू. आई एम टेलिंग बजट मतलब कैसे है ना सर. बजट मतलब कैसे है कि हम लोग किसमें ना अपना इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग देखते हैं मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आपने क्या बोला कि सर हम लोग इसमें इनकम और एक्सपेंसेस क्या करते हैं देखते हैं. इट्स योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर राइट. तो सिंपल बजट मतलब क्या है कि आपकी कैपेसिटी कितना है, आपकी कैपेसिटी कितना है ठीक है. आप कितना कैपेसिटी का इनकम आप जनरेट करते हो और कितना आप एक्सपेंडिचर करते हो दैट इज कॉल्ड ए बजट. ओके बजट में भी क्या होता है बजट देखो डेफिनेशन अगर सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो बजट टैली हेल्प अ कंपनी टू कीप अ ट्रैक हाउ मच मनी इट हैज वेयर इट्स मनी इज गोइंग ऑन एलोकेट दोस फंड एट अ पॉइंट एनी पॉइंट इन टाइम. ओके तो बजट का इन शॉर्ट क्या होता है कि आपकी कंपनी में आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो या जो भी आपकी कंपनी का इनकम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका बजट कितना है, आपका एस्टिमेट कितना है. अगर समझो कोई अभी कोई मुझे कंस्ट्रक्शन करना है ठीक है तो मेरा बजट में क्या करूंगा सबसे पहले उसका एस्टिमेट करूंगा कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेबर के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है ठीक है, बाद में लाइटिंग का कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, अगर मुझे बिल्डिंग में अगर लिफ्ट का प्लान बनाना है तो लिफ्ट का एस्टिमेट बजट कितना हो सकता है. तो ये सारे क्या होता है बजट मतलब क्या होता है इट द इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या होता है उसका डिफरेंशिएट करना ठीक है दैट इज कॉल्ड अ बजट. आपका जो मनी है वो कहाँ पर किस मतलब काम के लिए आप उसको ये कर रहे हो मतलब यूज कर रहे हो ठीक है दैट इज कॉल्ड अ बजट ठीक है. आपका बजट लाइफ में क्या बजट होता है ठीक है. अभी सपोर्टेड अभी गवर्नमेंट का भी क्या होता है बजट होता है. गवर्नमेंट का भी क्या होता है बजट होता है जैसे कि रेलवे का बजट होता है बैंक मतलब अभी तो समझो अभी जैसे कि कोविड आ गया ठीक है तो कोविड के टाइम गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा बजट किसके ऊपर गया हेल्थ के ऊपर गया ठीक है. तो डायरेक्ट इज अ बजट मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक एस्टिमेट बजट बना रही है कि हेल्थ सेक्टर के लिए इतना खर्चा हो सकता है, रेलवे के लिए इतना हो सकता है ठीक है, मेट्रो का प्लान है उसका अलग से बजट होता है. तो वैसा ही कंपनी कंपनी मतलब रन करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है बजट बनाना पड़ता है दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अ बजट. ओके यहाँ तक कोई डाउट? ओके नो सर. ओके तो बजट के दो टाइप होते हैं. बजट के क्या होते हैं दो टाइप होते हैं. अगर आप दो टाइप हाँ तो आप लोग लाउडली बोलो उधर से ठीक है तो मुझे क्लियर आवाज आएगी ठीक है. तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट. पहला होता है ऑन नेट ट्रांजेक्शन एंड दूसरा होता है ऑन क्लोजिंग बैलेंस. फर्स्ट होता है ऑन नेट ट्रांजेक्शन एंड ऑन क्लोजिंग बैलेंस. ऑन नेट ट्रांजेक्शन क्या होता है नॉर्मली दिस टाइप ऑफ बजट सेट फॉर इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स एक्सपेंसेस परचेस सेल्स एक्सेट्रा. इफ यू सेट अ नेट ट्रांजेक्शन बजट देन बजट वेरियंस शो ओनली टू लास्ट एंट्री डेट ठीक है. ऑन नेट ट्रांजेक्शन क्या होता है परचेस और सेल्स के रिलेटेड होता है. आपकी कंपनी में जितने भी परचेस होंगे जितने भी सेल्स होंगे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे बजट किसमें जाएगा वो ऑन नेट ट्रांजेक्शन. उसको किसमें डिफाइन करेंगे हम लोग ऑन नेट ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस रिलेटेड परचेस रिलेटेड और सेल्स रिलेटेड वो सारे के सारे बजट हम लोग किसमें डिफाइन करने वाले हैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन. यहाँ तक किसी को डाउट? ऑन क्लोजिंग बैलेंस.
सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्लोजिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग? सर एक ईयर एंड में जब स्टॉक सब बच जाता है क्लोजिंग, वो ओके क्लोजिंग बैलेंस होता है। स्पीक लाउडली। हाँ कर बोलो। सर ईयर एंड में जो स्टॉक बच जाता है। ईयर एंड में स्टॉक बच जाता है, ओके। कैसे? टेल मी एग्जांपल। सर कोई क्लॉथ खरीद मतलब एक जो प्रोड्यूसर रहता है, समझो वो प्रोड्यूस कर रहा है 100,000 क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है ओके और सिर्फ उसके 900 सेल हुए, 100 बचे हैं ओके, तो सर उसका ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक उसका 100 है, अभी बाकी है। ओके मतलब उसका नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। ओके तो मतलब क्लोजिंग मतलब क्या होता है? देखो क्लोजिंग किसका होगा, एक तो एसेट्स का होगा, बैंक का होगा और डेटर का होगा, ठीक है? दैट राइट। हाँ तो इतना सिर्फ आप लोग रिमेम्बर करना, ऑन नेट ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस परचेस और सेल्स ये डिफाइन करेंगे, ऑन क्लोजिंग में हम लोग डेटर बैंक और एसेट को डिफाइन करेंगे। यहाँ तक इसको डाउट है तो मुझे पूछिए आपको। ओके रवन, यस सर, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ओके तो बजट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। टू टाइप का बजट, ऑन नेट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। क्या देंगे हम लोग? डेटर बैंक और एसेट। यहाँ तक इसको डाउट है तो आप मुझे पूछिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके तो लेट्स कंटिन्यू। तो बजट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे F11 में जाएंगे, ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करेंगे। और एक बात, मैं जो ग्रुप में लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दिया था, वो सबका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ क्या? किसी ने भी अभी तक मुझे सेंड नहीं किया है। हेलो, नहीं हुआ है सर? ये वीकेंड, सर ये वीकेंड में करके देते हैं। ओके ये दिवाली का वीकेंड था। ओके हाँ सर, दिवाली में कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन हो गया। आपको होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क नहीं करोगे तो मैं आपको चिल्लाऊंगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं है, आपको जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए दिया। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है? बराबर। ओके तो लेट स्टार्ट टैली ERP 9। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ERP? श्रवण प्लीज टेल मी। Enterprise Resource Planning. Okay, 9 क्या है? 9 version है. Very good. Shubham, right है क्या? Hello Shubham, are you audible? हाँ sir, right है, एकदम right है. एकदम right है क्या? Okay. चलो. How many types? How many mode in tally? Tally में कितने mode होते हैं? Educational mode. वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपनी का नाम देता हूँ बजट करके, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एड्रेस जो भी रहेगा वो मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है? आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है महाराष्ट्र, और आपको यहाँ पे क्या लेना है, अकाउंट्स ओनली लेना है। क्या लेना है यहाँ पर? अकाउंट्स ओनली लेना है, ठीक है? सिलेक्ट अकाउंट्स ओनली, एक्सेप्ट दिस स्क्रिप्ट। ओके देन एस्केप, आफ्टर एस्केप देन प्रेस F11, गो टू अकाउंटिंग फीचर्स, देन गो टू बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में आपको इसको क्या करना है, इस ऑप्शन को क्या करना है, आपको यस करना है। क्या करना है इसको? यस करना है, ठीक है? मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ये ऑप्शन को आपको करना है यस। ओके यहाँ पर यस करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, यहाँ तक डाउट है? नो सर। ओके नो सर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? बजट क्रिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? बजट का क्रिएशन करेंगे। बजट क्रिएशन कैसे करेंगे? गो टू अकाउंटिंग इन्फो, देन गो टू बजट, देन क्रिएट। ओके तो लेट्स गो।
फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट इन्फो में जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग बजट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? बजट में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बजट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? बजट का टॉपिक कर रहे हैं। ओके, देन गो टू बजट। इफ यू क्लिक ऑन बजट देन गो टू क्रिएट। तो अभी देखो, अभी मैं एक बजट बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बजट वो किसका बनाऊंगा? मेरे ऑफिस का बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा? वो ऑफिस का, ठीक है। एक बजट है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, का मैं बजट बना रहा हूँ, ठीक है। अंडर प्राइमरी रखना आपको, और ये तो फाइनेंशियल ईयर ही आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो लेजर है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप है और यहाँ पर लेजर है। तो यहाँ पर लेजर को आपको क्या करना है? यस करना है। क्या करना है लेजर को? यस करना है, ठीक है। लेजर को यस करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर बजट बनाना है, ठीक है। बजट आपको क्या करना है? क्रिएट करना है। यहाँ पर क्या अकाउंट नेम है, टाइप्स ऑफ बजट है और अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेस अल सी फॉर लेजर क्रिएशन। अभी मेरे ऑफिस में जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, मैं उसका बजट क्या करूंगा? यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। मेरे ऑफिस में जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर बजट क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। सपोर्टेड, मेरा अभी सपोर्टेड तो क्या है? क्लासेस है। तो क्लासेस के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हो सकता है, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। मतलब जो भी एक्स वाई जेड बजट है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। सपोर्टेड, अभी मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का बजट बना रहा हूँ। अंडर बताओ क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट का अंडर ग्रुप क्या आएगा श्रवण? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पर जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अभी देखो, ये ऑन डायरेक्ट, सॉरी, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ये किसके अंदर आएगा? ऑन नेट में आएगा या ऑन क्लोजिंग में आएगा? किसमें आएगा? नेट में आएगा या क्लोजिंग में? हेलो शुभम, शुभम सर, हाँ, किसमें आएगा? ऑन नेट में आएगा या क्लोजिंग में आएगा? ये सर नेट में आएगा। क्यों? क्या लॉजिक क्या है? व्हाट इज द बिहाइंड लॉजिक? लॉजिक क्या है इसका? सर मैंने तो तुक्का मारा है। आपने तुक्का मारा है, वेरी गुड सर। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेरी गुड। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑन नेट ट्रांजेक्शन में आपका एक्सपेंसेस हो सकता है, आपका परचेस हो सकता है और आपका सेल्स हो सकता है। दैट इज ऑन नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग में बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, आपका एसेट्स हो सकता है, ठीक है। दैट इज ऑन नेट ट्रांजेक्शन। देन क्लिक ऑन नेट ट्रांजेक्शन। अभी मैं बजट बना रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का। सपोर्टेड, मेरा जो बजट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का कितना है? 15,000 का मैंने बजट बनाया हुआ है। 15,000 के अंडर मेरा क्या होना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस होना चाहिए। यहाँ पे किसी को डाउट? हेलो हेलो सर, सर नो डाउट। हेलो, डाउट है आपको कुछ यहाँ तक? नो सर। ओके, कंटिन्यू करूँ? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये स्क्रीन को क्या कर दूंगा? एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर ओके करना है। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया? कंपनी क्रिएट किया। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने F11 फीचर्स की क्या किया? प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हम लोग कहाँ पर गए? अकाउंट फीचर्स में गए। वहां पर बजट एंड सिनेरियो को क्या किया हमने? यस किया। फिर बाद में हमने क्या किया? बजट को क्रिएट किया। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, ट्रांजेक्शन हम लोग गो टू अकाउंटिंग वाउचर। अभी देखो यहाँ पर हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेमेंट। अभी आपका एक्सपेंसेस है तो इन शॉर्ट आप क्या करोगे? पेमेंट ही करोगे ना। सामने वाले पार्टी को क्या करोगे? पेमेंट करोगे। वो फ्री में करने वाला क्या आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस? नहीं ना, आप क्या करोगे? उसको पेमेंट करने वाले हो। ओके, इन शॉर्ट क्या होगा? पेमेंट। तो देन सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अभी सपोर्टेड, मैंने मेरा जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जो बजट था, मैंने 15,000 का मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का मैंने बजट क्या किया था? बनाया था। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेस क्या हो गया? तो मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर मेरा एक्सेस हो गया। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना चला गया? 20,000। ओके, कैश नहीं ले लो, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग पेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस।
यस सर ओके या यहाँ पे एक्सेप्ट करो। अभी देखो यहाँ पर मुझे क्या देखना है, बजट सिनेरियो देखना है। क्या देखना है यहाँ पर मुझे, बजट का सिनेरियो देखना है कि एक्चुअल में बजट आपके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे आपका जो बजट है वो इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे ये क्या करना है, इसका शो करना है कि मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी का उसका बजट शो हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्किप करेंगे, गो टू डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे अकाउंट्स बुक में। यहाँ पर देखो बजट के लिए देखो यहाँ पर शॉर्टकट के क्या दिया हुआ है, अल्ट बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्ट बी, बजट वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर बजट वेरिएंस आप शो कर सकते हो। अभी अभी मेरा जो बजट का वेरिएंस था वो क्या था, ऑफिस एक्सपेंसेस का। क्या था वो, ऑफिस का एक्सपेंसेस का। तो मैं यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखो बजट आपको शो कर रहा है। अभी आपने जो बजट बनाया था वो कितने का बनाया था, 15,000 का बनाया था। ठीक है, लेकिन आपका बजट यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस शो हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पर बजट वेरिएंस देख सकते हो। हाँ, ये ट्रायल बैलेंस है। ओके, अभी मुझे इसका क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अल्ट पी करूंगा और इसका प्रीव्यू दूंगा। तो ये मेरा बजट है, ये मेरा क्या है, बजट, 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 हाँ, दैट इज अ बजट वेरिएंस। अल्ट बी भी आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, तो आपका बजट यहाँ पर शो करेगा। फिर ये तो आपका क्या हो गया, वाउचर हो गया। क्या हो गया, ये वाउचर, वाउचर। समझ में आपको यहाँ तक? यस सर। ओके शुभम, हेलो शुभम। हाँ सर, आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और कोई टॉपिक में डाउट है आपको बताओ, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, फिर न्यू टॉपिक नहीं लेता हूँ मैं। सर बीआरएस, बीआरएस बताओ। चलो चलो मैं बीआरएस आपको बता देता हूँ। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, बीआरएस। क्या है बीआरएस, बीआरएस का मीनिंग क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस चेक। हां सर, क्रॉस चेक, क्रॉस चेक, वेरी गुड। क्या बोला इन्होंने, क्रॉस चेक बोला है। ठीक है, तो बीआरएस व्हेन बैंक सपोर्टेड, हर एक कंपनी का क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। ओके, तो बैंक का भी क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट है। ओके, तो बैंक में देखो आप इन्वेंटरी तो करोगे नहीं। ठीक है, बैंक में क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, बीआरएस करोगे। ठीक है, तो बीआरएस क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। तो बैंक क्या करती है कि बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रेक्टिफाई करती है। क्या करती है, उसको रेक्टिफाई करती है। अगर कुछ, हाँ, अगर उसमें कुछ डाउट निकला या कुछ उसमें, जब बैंक का ऑडिट होता है तो बैंक के ऑडिट में बीआरएस स्टेटमेंट को दिखाया जाता है कि इतना मतलब चेक आया, इतना डिपॉजिट हुआ, इतने कस्टमर ने, और इतने कस्टमर का चेक क्लियर हुआ है। ठीक है, ऐसा मंथली वाइज भी हो सकता है, क्वार्टरली वाइज भी करते हैं। ठीक है, या ईयरली बेस भी होता है। ठीक है, तो दैट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन शॉर्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है, बीआरएस का मीनिंग क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, बैंक बुक्स, बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, रेक्टिफाई होता है, दैट इज अ बीआरएस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्या कर दूंगा, क्रिएट कर लूंगा। जैसे कि कैपिटल दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब पहले मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके,
मैं इसमें ही करता हूँ, ओके अकाउंट इनफो में लेटेस्ट में जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। पहला क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, क्या दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या इसका कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, ओके यस सर। उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपीज, कितना है 2 लाख रुपीज, 20,000, 2 लाख रुपीज, ओके राइट है क्या, 5-0 हुआ, 5 ओके। नेक्स्ट क्या है, कैश है, ये कैश क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ये एरर क्यों आ रहा है, डुप्लीकेट सर, कैश कैश पहले से रहता है, नहीं यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री हुआ है, कैश पहले से रहता है। टेल मी टेक्निकल डेफिनेशन, हाँ आकाश आपका राइट है, कैश पहले से रहता है, लेकिन इसका टेक्निकल डेफिनेशन कैसे बताओगे मुझे। शुभम, श्रवण आप भी बताओ कुछ। हाँ सर, व्हाई नॉट पूछ रहा हूँ, आई थिंक ये डुप्लीकेट एंट्री शायद शुभम ये अलाउ नहीं करता है इसके। हेलो शुभम, हाँ सर, आपकी इधर से भी आंसर आना चाहिए मुझे, दो लोग वो लेक्चर में ज्वाइन नहीं है, बताइए क्या आएगा। हाँ सर, यहाँ पर डुप्लीकेट, क्या सर, यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री क्यों शो कर रहा है, अगर मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ कैश का, तो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री क्यों शो कर रहा है सर, क्योंकि कैश का एंट्री पहले कहीं हुआ होगा, इसलिए पहले कहीं हुआ होगा, ठीक है। देखो कैश जो होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये क्या होता है प्राइमरी अकाउंट होता है, क्या होता है ये प्राइमरी अकाउंट होता है। हाँ, तो प्राइमरी अकाउंट जो है हम लोग अल्टर से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था टैली में अगर कुछ भी चेंज करना होगा तो आप कहाँ पर जाओगे, अल्टर में जाओगे ना, अल्टर करोगे, ओके। तो यहाँ पर मैं कैश, पता नहीं था ये, कैश कैश का अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 20,000 करो। नेक्स्ट क्रिएट करो यहाँ पर वापस। नेक्स्ट क्या है, बैंक, बैंक अकाउंट अंडर आएगा, बैंक अकाउंट, ओके नेक्स्ट क्या है, 1 लाख रुपीज है इसका ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, प्रताप, प्रताप प्रताप क्या है, डेटर है, प्रताप क्या है, डेटर, तो क्या आएगा, संदीप डेटर, पिकअप एंड ड्रॉप का मेरे को, ओके। और बिल वाइज डिटेल को नो रखना है यहाँ पर आपको, डेटर कितना है इसका, अंडर लेटर लेना है। हेलो, बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है, प्लीज। नेक्स्ट क्या है, लता, लता क्या है, क्रेडिटर है, क्या है, संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर। सर मैं लीव करूं क्या, मेरा ऑफिस का मीटिंग है एक। ओके ओके डियर, चलेगा, थैंक यू सर, ओके। लता क्या है, 20,000, ओके सर, ये 20,000 किसका अमाउंट था, लता का, ओके तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 2,20,000 से क्या हो गया, टैली हो गया, 2,20,000 से कितना हो गया, टैली हो गया, ओके टैली हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे डियर, कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और जस्ट हम लोग ये क्या कर देंगे, ये एंट्री मार देंगे। देखो पहला क्या दिया हुआ है, हाँ ये 3 एंट्री दिया हुआ है, और अब अभी मेरे को टाइम कितना ये है, 5 मिनट्स में मैं आपको बता देता हूँ, 7 मिनट्स से मेरे पास रिमेनिंग टाइम, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ फटाफट। तो अभी देखो डिपॉजिट क्या है, 5,000 चेक रिसीव हुआ है, किससे, प्रताप से, ठीक है, प्रताप से, हाँ। नेक्स्ट क्या हुआ, एक किससे रिसीव हुआ है, पेंडे से, तो क्या आएगा, दोनों रिसीप्ट में आएगा, ओके। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब आप बीआरएस करते हो तो चेक नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है,
जब आप BRS करते हो तो चेक नंबर मतलब इनपुट करना इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रिसीप्ट में, रिसीप्ट का शॉर्टकट के F6, तो एंट्री बताओ क्या आएगा प्रताप टू। हाँ प्रताप टू कैश, प्रताप टू कैश, बैंक 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 कैश किसने होगा, बैंक सॉरी। ओके इसका चेक नंबर कितना है, 10 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
पेंडे से कितना अमाउंट आया हुआ उससे? 9,000 1,000 के लिए जाके पेड किया हुआ है, ठीक है? तो पेमेंट हो गया, तो पेमेंट हो गया मतलब F5 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस का हम लेजर बना देंगे अलसी करके, राइट? एंड राइट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस का यहाँ पर देखो क्या है, अंडर ग्रुप क्या है आएगा बताओ मुझे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? 1,000 rupees, ठीक है? अंडर बैंक, ओके। चेक नंबर क्या है इसका? और 1255 हाँ इसका चेक नंबर है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? मैं स्केप करूंगा यहाँ पर, स्केप करने के बाद मैं यहाँ पर स्केप करूंगा, स्केप करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर क्या देखना है, अकाउंट बुक चेक करना है, ओके। अकाउंट्स बुक में कैसे चेक करूंगा? मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ अकाउंट्स बुक में, ओके। गो टू डिस्प्ले, नेक्स्ट गो टू अकाउंट्स बुक, नेक्स्ट यहाँ पर कैश और बैंक बुक, ठीक है? आपको अभी बीआरएस करना है, तो बीआरएस के लिए आपको यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक में जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको देखो F5 दिया हुआ, F5 से क्या होगा? रिकनसाइल, क्या होगा? रिकनसाइल, रिकनसाइल, हाँ इसको रिकनसाइल करना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, रिकनसिलेशन स्टेटमेंट है आपका, हाँ F5। तो यहाँ पे आप अगर अल्ट की करोगे ये आपका रिकनसिलेशन स्टेटमेंट निकल जाएगा बैंक का, रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। देखो मतलब बैंक में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, हैज पर कंपनी बैलेंस कितना था, रेक्टिफाई कितना हुआ, अमाउंट नॉट रेक्टिफाई है ना, ये अमाउंट क्या हुआ, नॉट रेक्टिफाई हुआ इतना, ठीक है? मतलब टोटल हैज पर कंपनी कितना था, 1,13,000 था, ठीक है? लेकिन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14,000 का, मतलब 14,000 का बैंक अकाउंट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, हाँ। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा उसको, फिर वो ये करना पड़ेगा, ओके। यहाँ तक समझ में आया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बजट? यस सर। तो आप लोग अभी देखो, अभी कैसा है, अभी हमारा वीकली में 3 days का लेक्चर होता है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज टाइम पे प्रेजेंट रहो, क्योंकि अभी कैसे हम लोग बहुत पास है, बजट हो जाएगा बाद में, कॉस्ट सेंटर है, पेरोल है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ ऑल टॉपिक आपका हो जाएगा, तो फिर मैं जीएसटी स्टार्टअप कर दूंगा, ठीक है? तो अभी जो भी लोग अपसेट, हाँ बोलो। अच्छा सर, ये इसका एग्जाम इससे कैसा रहेगा सर, ये जो टैली का एग्जाम कैसा रहेगा? ये टैली का एग्जाम दिया, ये प्रैक्टिकल तो मैं यहाँ से लूंगा, लेकिन आपका ऑनलाइन, अभी आप सर से पूछ लीजिए, मोस्ट ऑफ ऑनलाइन ही रहेगा आपका एग्जाम। नहीं, उन्होंने मतलब बोला है कि मतलब कैसा है कि मेरा कैसा है, मैं और आकाश का है, MIS हम दोनों कर रहे हैं, मतलब MIS कर रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा भी मतलब जितना भी मतलब कोर्सेस का जो थियरी है ना वो सब एक साथ रहेगा, और इंटरनल्स वगैरह कोर्स वाइज रहेगा करके बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ ऑल MIS का जो एग्जाम होता है ना ऑनलाइन होता है,
ऑनलाइन ही रहता है वो एग्जाम। हाँ प्रैक्टिकल में ले सकते हो आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम में टैली का ले सकते हो आपको यहाँ से, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है, आपको लाइव मुझे आपका स्क्रीन शेयर करके मुझे करके बताना है, जो भी आप मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे किसी को डाउट है, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट 3 डेज प्रेजेंट रहो रेगुलर, अभी आप दोनों तो प्रेजेंट रहते हो, बाकी के लोग प्रेजेंट नहीं रहते, है ना। मेरी किसका वर्क भी होता है, किसका ऑफिस भी होता है, तो मतलब थोड़ा उनका डिस्टर्बेंस होगा, तो आप लोग एटलीस्ट प्रेजेंट रहो रेगुलर, मतलब क्योंकि क्या है अगर आपका गैप पड़ गया तो फिर जैसे आपका फिर मीट हो जाएगा ना। चलो अभी मेरे पास 1 मिनट रिमेनिंग है, तो प्लीज परमिशन दो, स्टॉप करने लगता हूँ। समझ में आया यहाँ पर आकाश? यस सर। समझ ओके यस सर। मैं जो सिखा रहा हूँ समझ में आता है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। ओके नहीं समझे तो बोलना, ठीक है। ओके सर चलेगा। सर आप एक वीडियो डालोगे चैनल में? हाँ ये मैं पहले हाँ ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक हाँ चलेगा। ओके चलो बाय 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 सर। थैंक यू सर। ओके।